हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ई पार्टिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस कब चली हुई थी और इसका सिग्निफिकेंट क्या है और ख़ासकर आज जो हम इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जैसे कि आई एम और वर्ल्ड बैंक वगैरह इन सभी का सिग्निफिकेंस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से कितना है और ये कॉन्फ्रेंस जो था वो कितना क्रूशियल था इन सेटिंग अप न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर इन नाइनटीन इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो तो सबसे पहली चीज़ के ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहाँ था और ये क्या था देखिए द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस फॉर्मली नोन एज यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वाज़ द गैदरिंग ऑफ 730 थर्टी डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल 44 फोर एलाइड नेशंस एट माउंट वाशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था 1940s में 1945 में जो है वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होता है तो वहाँ पर जो है दो ग्रुप्स में बटे हुए थे एक तो था अलाइड नेशंस, दूसरा था एक्सिस तो अलाइड नेशंस जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लैंड जैसे कंट्रीज थे और एक्सिस में जो थे वो जर्मनी और उनके साथ जितने भी लोग थे जापान वगैरह जो उनका सपोर्ट उस वक्त दे रहे थे तो ये उनकी ग्रुपिंग थी तो यूनाइटेड स्टेट्स और उनके रिलेटेड अलाइड नेशंस की जीत हुई वर्ल्ड वॉर टू में तो जीत होने के बाद जो है उन्हें पता चला कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो सही तौर पर चल नहीं रही हमने अपने पिछले स्लाइड्स में भी देखा कि देर वॉज समथिंग कॉल्ड एज लीग ऑफ नेशंस तो कहीं ना कहीं फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशंस टू अवॉइड अनदर वर्ल्ड वॉर दैट इज़ वर्ल्ड वॉर टू और फिर जो क्रिपल जो हो रही थी इकोनॉमी उस वक्त दुनिया की तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खासकर जो अलाइड नेशंस के जो डेलीगेट्स थे 730 जो एक्सपर्ट्स थे फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमी रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर उन्होंने जो है एक बैठक बिठाई कॉन्फ्रेंस बिठाई जो ब्रिटेन वुड्स दरअसल ब्रिटेन वुड्स एक गांव का नाम है पिछले स्लाइड में आपने पिक्चर देखी वो दरअसल माउंट वॉशिंगटन होटल है तो वहाँ पर जो है ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी न्यू हेम्पेयर यूनाइटेड स्टेट्स में तो वहाँ पर सात सात सौ तीस जो है वो आए थे उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से वर्ल्ड का फाइनेंशियल ऑर्डर जो है वो फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू तो कहीं ना कहीं देखिए यूनाइटेड नेशंस और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम आगे भी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सभी अपना ऑरिजिन जो है वो इसी ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को ट्रेस करते हैं तो दिस इज़ द रीज़न वाई ब्रिटर्न वुड कॉन्फ्रेंस इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड

ये एक वर्ल्ड बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है या फिर सबसे पहले आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक कहते थे बाद में जो है वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन एनलार्ज हुआ उसमें और चार एडिशन ऑर्गन्स को ऐड किए गए हम तो उनके बारे में भी अगले वीडियोस में बात करेंगे तो आईबीआरडी और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तो इन दो चीजों के जो इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो दुनिया के बहुत जरूरी है दे ट्रेस देयर ओरिजिन टू दिस ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रीज़न तो इसके रीज़न्स क्या थे तो हमने तो देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था यानी कि पूरी दुनिया की जो इकॉनॉमी जो थी वो ऑलरेडी क्रिपल थी वो बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी लेकिन दरअसल इंपॉर्टेंट रीज़न्स क्या थे कि इस तरीके के मॉडर्न एक अकोनॉमी का तरीका जो हमने चूज़ किया है जिसे हम मिक्सड एक कहते हैं वो किस लिए था वट वॉज़ द रीज़न बिहाइंड दैट अर्ली इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जॉन मेयार्ड कीनिस द वेरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी हो तो आपने कीनीजियन थीरी के बारे में पढ़ा होगा कि ही वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम के कैपिटलिस्ट नहीं और सोशलिस्ट नहीं वी नीड अ मिडिल पार्ट विच इज मिक्सड एकनॉमी ऑफ द ब्रिटिश ट्रेजरी एंड हैरी डेक्सटर वाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली बिगैन टू डेवलप आइडियाज अबाउट फाइनेंशियल ऑर्डर पोस्ट वॉर वर्ल्ड तो देखिए मेयार्ड कीनिस जो कि ब्रिटिश ट्रेजरी थे और हैरी डेक्स्टर जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी थे तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है वो होल्ड कर रहे थे तो इन दोनों के सोच का जो है वो एक आउटकम था ब्रिटेन वोट कॉन्फ्रेंस after negotiations between officials of united states and united kingdom, consultations with some other allies on may 25, 1944, the u.s. government invited the allied countries to send representatives to an international monetary conference. jobi sansotis delegates uskeli for the purpose of formulating definite proposals for an international monetary fund and possibly a bank for reconstruction and development. तो देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का एस्टैबलिशमेंट यही होता है तो कहीं ना कहीं कीनीजियन थी जो है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करती है एक मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम जो आज का हम इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं वो ट्रेस करता है इस ब्रिटेन उड कॉन्फ्रेंस को द ब्रिटेन वोट कॉन्फ्रेंस हैज थ्री मेन रिजल्ट तो इसके जो ब्रिटेन वोट कॉन्फ्रेंस के जो जो, जो रिजल्ट थे वो तीन थे अहम चलिए देखते हैं वो क्या था जो पहला रिजल्ट था वो था आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट टू क्रिएट आई एम एफ हुज पर्पज वॉज टू प्रमोट स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड फाइनेंशियल फ्लोज तो आई एम एफ की जो है वो एस्टेबलिशमेंट की बात की गई तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दरअसल एक फ़ंड है तो उस फंड की ज़रूरत कब पड़ेगी जब जब जो है एक्सचेंज रेट्स और फाइनेंशियल फ़्लोज में फ्लक्चुएशंस आएगा तो आई एम एफ जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरह आएगा या फिर स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए आएगा ये सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा रिजल्ट था देखते हैं कि दूसरा क्या था आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट टू क्रिएट आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जाहिर सी बात थी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड्स डेवस्टेटेड तो कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी हुज पर्पजस वॉज टू स्पीड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड टू फर्स्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशली थ्रू लैंडिंग टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो भी हमने इसके बारे में भी बात की अदर रिकमेंडेशन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कारपोरेशन द फाइनल एक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इनकॉर्पोरेटेड दीज अग्रीमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस तो ऑन एंड एवरेज जो है तीन ये रिजल्ट आए विच आर बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो कि आज हम वर्ल्ड इकोनॉमिक का जो सिस्टम कहते हैं विच इज़ नेदर डोमिनेटेड बाई कैपिटलिस्ट नॉर सोशलिस्ट विच इज़ मिक्सड जितना भी कंट्री चाहे अपने आइडियोलॉजी को कितना भी बैक क्यों ना कर ले चाहे यू जैसा एक कंट्री जो एक ज़माने में प्योर कैपिटलिस्ट था या फिर चाइना जैसा कंट्री जो खुद को सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट जो बताता है लेकिन कहीं ना कहीं ये दो कंट्रीज भी एक मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो दिस ब्रिटन बुट कॉन्फ्रेंस जो था वो कहीं ना कहीं इसी मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम को देने की कोशिश कर रहा था एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को देने की कोशिश कर रहा था तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ब्रिटेन बोर्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पार्टिया